तो कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल लेके पहचान ही होंगे कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि एंड्रॉइड 10 आप कैसे किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त वही स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले एंड्रॉइड 10 इंस्टॉल करने के लिए आपको चाहिए पड़ेगी एक फाइल। जी हाँ, आपको फाइल चाहिए पड़ेगी, क्योंकि लाइनें जो है सब जानते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड पे बेस्ड है उसकी आपको फाइल चाहिए पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, lineageos.org पे जाना है। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी कर सकते हैं और आप उसकी साइट को मोबाइल से भी ओपन कर सकते हैं। तो आपको जो भी आपके डिवाइस है आप यहाँ पे जाकर उस डिवाइस को सर्च कीजिए। सबसे पहले आप अपने ब्रांड वाले सेक्शन में जाइए, जैसे कि आपका कोई Xiaomi का स्मार्टफोन है तो उसकी आपको नीचे जाना है और Xiaomi का सर्च करना है। Xiaomi का आप जैसे सर्च करके क्लिक करेंगे तो काफ़ी बड़ी एक लंबी लिस्ट रहेगी डिवाइस का। और आपका डिवाइस अगर यहाँ पे लिस्ट नहीं है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको यहाँ पे डिवाइस लिस्ट नहीं है तो वो आपको XDA पे 110% मिल जाएगा। तो सिंपली इस रोम को आपको डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करके इसको आपको अपने मेमोरी कार्ड या इंटरनल स्टोरेज जिस रोम में आपको एंड्रॉइड 10 इंस्टॉल करना है उसमें आपको ये रख लेना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोन पे। तो इस ट्यूटोरियल में मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ वो है Redmi 6। जी हाँ, Redmi 6 से जो डिवाइस है वो मैं इस ट्यूटोरियल में यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसमें आपको अपने जो मोड है रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा। इसमें उसके लिए आपको वॉल्यूम प्लस और पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है। जी हाँ, वॉल्यूम प्लस मतलब जो वॉल्यूम का ऊपर वाला रहता है वॉल्यूम बढ़ाने का, उसको पावर बटन को एक साथ प्रेस करना है और दबाए रखना है जब तक कि आपकी रिकवरी नहीं खुल जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिकवरी के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊं, जैसे कि TWRP रिकवरी होती है या फिर ऑरेंज फॉक्स रिकवरी रहती है उसके ऊपर आप मैं वीडियो बनाऊं, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ ये पूरा प्रोसेस विदाउट रूट है, मतलब इसके लिए आपको कोई रूट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल आपको रूट की जरूरत नहीं है, मैंने कोई रूट नहीं किया है, बस मैंने बूट लोडर अनलॉक किया था, वो भी सिर्फ Xiaomi के फोन में जरूरत पड़ती है, बाकी दुनिया के किसी फोन में नहीं। तो बूट लोडर अनलॉक करना तो काफी सिंपल है, आप MI की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आपको जो आपका सिस्टम डेटा कस्ट और कैच वगैरह है वो सब आपको साफ करना पड़ेगा। वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए, इस पूरी वीडियो को देखना है आपको, कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आपने कुछ भी मिस किया तो हो सकता है आपके डिवाइस में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए। पर अगर आप सेम टू सेम जो मैं बता रहा हूँ उस ट्यूटोरियल को आप फॉलो करेंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जैसे ही आपने वो डेटा वगैरह क्लियर कर दिया है तो आपकी जो जिप्स होंगी, मतलब जो आपने फाइल डाउनलोड कर रखी लाइनेज की, वो आपको अपने इंटरनल स्टोरेज या फिर SD कार्ड में रख रखी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने SD कार्ड में रख रखी थी, तो मैंने SD कार्ड सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे जो आपकी सिस्टम की इमेज है, मतलब लाइनेज 17.1.img वाली फाइल होगी, तो ध्यान से आपको सिर्फ उसको सिस्टम में फ्लैश करना है। जी हाँ, उसको आपको सिस्टम में फ्लैश करना है। मैं यहाँ फ्लैश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले से फ्लैश कर रखी है, मैं फ्लैश करूंगा तो मेरे को काफी दिक्कत हो सकती है। और दूसरी जो पैच बूट है, पैच बूट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको हर डिवाइस का अलग अलग पैच बूट मिलेगा, उसको भी आपको सेम फ्लैश करना है, बस उसको बूट में फ्लैश करना है। ध्यान रखिए लाइनेज की जो जिप है वो सिस्टम में, और जो हमारी पैच बूट की जिप है वो बूट वाले सेक्शन में आपको फ्लैश कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आती है पारी GA एप्स की। जी हाँ, जो गूगल एप्स रहते हैं वो इन सब रोम्स में आपको देखने को नहीं मिलते हैं, पर इसमें आपके लिए जो GAapps.org उस पर जाइए, वहाँ से आपको GA एप्स हर डिवाइस के लिए मिल जाएंगे, आपको कौन से एंड्रॉयड वर्जन के लिए चाहिए। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखे, तो इनको आपको जिप में जाके सिंपली फ्लैश करना है। ध्यान रखें वो इमेज थी, उनको इमेज में फ्लैश करना है, उनको जिप में फ्लैश करना है, ठीक है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सेम टू सेम ट्यूटोरियल आपको फॉलो करना है हर डिवाइस के लिए। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, और अगर आपने कुछ भी छेड़खानी की तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब कई केसेस में ये होता है भाई कि जो हमारे GA ऐप से ये बता देता है इनसफिशियंट स्टोरेज या फिर फ्लैश नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे वाइप में जाएंगे, सिंपली जो आपका वाइप का ऑप्शन आपको TWRP में देखने को मिलता है, यहाँ पे आप एडवांस में जाएंगे और ये सिस्टम है इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला ऑप्शन उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा रीसाइज सिस्टम, तो उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। उससे क्या होगा, जो सिस्टम है हमारा कंप्रेस हो जाएगा, मतलब और जैसे कि आपका कोई सिस्टम 12 या 13 GB का बन रहा है, कोई स्मार्टफोन की बता रहा हूँ मैं, ऐसे नॉर्मली 2-3 GB का बनता है, तो वही कंप्रेस करके ये उसको 1 GB का कर देगा, उससे आपको इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आसानी से आप ये सारी जिप फ्लैश कर पाएंगे।
उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जी ऐप को फ्लैश कर लेना है, अगर पहले नहीं हुए तो पहले ही हो गए थे तो काफी अच्छी बात है। उसके बाद आपको मैजिस्क इंस्टॉल करना है, जी हाँ मैजिस्क को भी आपको फ्लैश कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाके रीबूट कर देना है, कुछ नहीं करना है, कोई छेड़खानी नहीं करनी है आपको, ना फिर कोई रिजेक्ट करना है, डेटा वाइप करना है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं यूट्यूब पे कि भैया आप बाद में जाके डेटा वाइप करो, भैया अगर आप डेटा ही वाइप कर दोगे सिस्टम का तो वो आपकी रोम ही तोड़ देगी पूरी, तो फिर आप कैसे चलाओगे। तो मैं इस ट्यूटोरियल में इसलिए पूरी चीज बता रहा हूँ कि आपको बाद में कुछ वाइप नहीं करना है, जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ही करना है। नंबर वन आपको लाइनेज की रोम फ्लैश करनी है, फिर पैच बूट फ्लैश करना है। नंबर थ्री आपको अगर रीसेट सिस्टम करना है, नंबर फोर जी एफ फ्लैश करो, नंबर फाइव आपको मैजिस्क इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपको सिंपली रीबूट कर देना है। पहला बूट आपका बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, जी हाँ जो पहला बूट रहेगा आपका वो टाइम लेगा, क्योंकि पूरा नया सिस्टम आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो रहा है। और यहाँ पे आप देखिए बूट एनिमेशन एमआई का चेंज हो गया, लाइनेज का आ गया, मेरे को ये काफी पसंद है और मैं तो डेली यूसेज में लाइनेज ही यूज करता हूँ। आपको भी रिकमेंड करूंगा, आपका डिवाइस काफी पुराना रेडमी 5 या कुछ और है तो उसके लिए भी आप ये लाइनेज डाल लें उसमें, क्योंकि ये इसमें MIUI की तरह अपने एड्स देखने को नहीं मिलते ना बग्स देखने को मिलते, ये काफी स्मूथ रोम रहती है। तो पहले बूट में आपको ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खैर पहले से ही इंस्टॉल्ड है तो मेरे को ये पासवर्ड मांग रहा था, तो ये काफी सिक्योर भी है, ये आपसे 2 times पासवर्ड मांगता है। जी हाँ 2 times आपके पासवर्ड लगते हैं, अगर आपने एक बार जैसे पैटर्न लॉक आपने कोई भी मैंने एल बनाया था जैसे, तो एक बार आपने अगर सिस्टम में जाके एल सेट कर दिया तो ये बूट करने के बाद भी आपसे एल मांगेगा, और फोन स्टार्ट होने के बाद तो फिर से लॉक स्क्रीन पर मांगेगा ही, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स हमको हमारे स्टॉक एंड्रॉयड में देखने को नहीं मिलते, जो कि ये काफ़ी अच्छी बात है, मैं लाइनेज से इसलिए काफ़ी इम्प्रेस हूँ। और ये जो है ये काफ़ी कम सिस्टम रहता है, क्योंकि जो मेरा ये वर्जन है 16 GB वाला है मॉडल रेडमी 6A का, तो मेरे को काफ़ी कम स्पेस पड़ता था, पर जब से मैंने लाइनेज स्क्रॉल किया है तो ये करीब सिर्फ 2 या 2.5 GB का पूरा सिस्टम है, और बाकी का स्पेस वो यूजेबल लेवल की न्यू आई तो मेरा 6-7 GB खा जाता था सिस्टम। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप कोई भी स्मार्टफोन Asus हो या फिर कोई भी पुराना से पुराना माइक्रो मैक्स तक चला रहे हो आप, तो उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपको सिर्फ अपनी फाइल चाहिए। फाइल आपको अगर लाइनेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलती है तो आपको XDA पे सर्च कर लेना है, या फिर आप इसे टेलीग्राम पे कह दीजिए, मैं आपको ढूंढ के दूंगा वो फाइल। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लो यार, काफी मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में यार। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।